और इस स्वागत घड़ी के बाद हम आमंत्रित करते हैं प्रेयर और क्वेश्चन के लिए बिशप जोसेफ और महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव के इस सुंदर दिन में पावन अवसर में यहाँ पर बसा रहे आप अति सम्माननीय वरिष्ठ सज्जनों एवं देवियों आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सूखी भूमि जैसे पानी के लिए तरसते हैं वैसे आज दुनिया विश्व शांति अहिंसा जैसे सुहृदों को अनर्गल अनुभव करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन अहिंसा शांति प्रियता जैसे सद्भावनाओं के सुहृदों से आविष्कृत रहे। पवित्र बाइबल में लिखा है तुम संसार की ज्योति हो, तुम्हारे ज्योति तुम्हारे भले कर्मों द्वारा दूसरों के सामने चमकते रहे। दीवट जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं क्योंकि वह करके सब लोगों को प्रकाशित करते हैं। हाँ प्यारे मित्रों, महात्मा गांधी जी का जीवन शैली जैसे प्रेम अहिंसा शांति प्रियता के आविष्कार रहे, वह ईश्वर द्वारा हम सबके लिए दिए गए एक चिराग है। उस चिराग हम सबको रोशन करते हुए हमारे साथ रहा, आज भी उनकी वचनों उनकी पुण्य कर्मों हमारे साथ में हमें याद दिलाते हैं। वही राह पर चलते हुए अहिंसा प्रेम विश्व शांति की पुण्य सुहृदों को हम निरंतर अभ्यास करते जाए। पवित्र बाइबल आगे बताते हैं अपने मित्रों के लिए अपने प्राण जो समर्पित करता है उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हाँ महात्मा गांधी जी अपना जीवन हमारे भारतवर्ष के हम सबके लिए मात्र नहीं पूरे विश्व के लिए एक चिराग बनकर उस चिराग की रोशनी सबको देने के लिए प्रतिबद्ध होकर अपने जीवन को समर्पण किए। वह आत्मीय बलिदान हमें उत्प्रेरित करे कि उस राह पर चलते हुए हम अपने देश को मात्र नहीं पूरे दुनिया के लिए अपने जीवन नमूना द्वारा शांति का प्रेम का अहिंसा का पुण्य सुहृदों को अनर्गल अपने जीवन में हम संभाल पाए। ईश्वर से दुआ करता हूँ आज के इस समारोह जैसे सुंदर आयोजनों को बार बार हमारे बीच लाते हुए हम इस सद्भावना के जीवन शैली को हम अपने साथ जारी रखें। ईश्वर हम सबको कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद।